अस्सलाम वालेकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। हेडलाइंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे क़यादत ज़रई तरक्की के लिए गंदम पर सब्सिडी की एक खबर चल रही है। इस सब्सिडी से मुतालिक किसान मददगार ने मुतलका अशख़ास से राब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमारी हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द इस पर वजाहत फराहम की जाए ताकि किसान भाई इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। SBP बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन ने मुल्क भर में मुनक़िद की जाने वाली 5 वर्कशॉप की एक सीरीज के जरिए एग्रीकल्चरल फाइनेंस लिटरेसी प्रोग्राम का आगाज किया है। इस इकदाम का मकसद काश्तकार बरादरी में दस्तयाब मालियाती स्कीमों और हुकूमत की तरफ से चलने वाले इकदामात के बारे में बेदारी पैदा करना है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेरे सदारत जनूबी पंजाब में कपास की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक लाहौर में जायजे इजलास का इनेकाद हुआ। हुकूमत पंजाब की जानिब से धान की फसल की बर्दाश्त के दौरान एहतियाती तदाबीर जारी, जिसकी तफसीलात आप एग्री पंजाब की वेबसाइट पर देख सकते हैं। कुछ इलाकों में धान की फसल पर सफेद और भूरे पुश्त वाले तीले का हमला नजर आया। अगर आपको भी इस मुश्किल का सामना है तो अभी किसान मददगार की हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। गंदम की फसल के 1,00,000 पौधे फी एकड़ हासिल करने के लिए हैप्पी सीडर या सुपर सीडर इस्तेमाल करें। मजीद मालूमात या ऑर्डर बुक करने के लिए अभी किसान मददगार हेल्पलाइन या व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। मौसम। बारिशों का एक नया मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जो वक्फे वक्फे से मुल्क के शुमाली और बालाई सती इलाकों में जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, सती और शुमाली पंजाब, कश्मीर और गिलगित के इलाकों में मजीद बारिशों के इम्कानात रहेंगे। आने वाले दिनों में जिन इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं उनमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, चारसदा, दीर, सवाद और डेरा इस्माइल खान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा मियांवाली, खुशाब, चकवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और उसके मजाफात के इलाके शामिल हैं। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिन दर्जा हरारत ये रहने के इम्कान हैं। मंडी के नर्ख। गुज़श्ता हफ्ते में मंडी के नर्ख ये रहे। इलाकाई मालूमात। इस्माइल खान। चावल की अगीती काश्त पक चुकी है और कटाई भी शुरू है, जबकि पछीती काश्त दाना बनाने के अमल में है। गन्ने की मंडी फसल मैच्योरिटी स्टेज पे है और कहीं कहीं सितंबर काश्त के लिए भी काटी जा रही है और गन्ने की सितंबर सोइंग भी शुरू हो चुकी है। मुल्तान। कमाद की फसल की पकाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, कहीं कहीं काट कर गुड़ बनाने का अमल जारी है। गुड़ का रेट 6,000 से 8,000 तक है। मूंजी की फसल गोब की हालत में है और कहीं कहीं पोटाश इस्तेमाल की जा रही है। तिल्ली की फसल फरोख्त के लिए मंडियों में पहुंचाई जा चुकी है और 15,500 से 17,500 पर मन फरोख्त हो रही है। सोना DAP 12,100 से 12,500 और यूरिया 4,200 से 4,400 में फरोख्त हो रहा है। मियांवाली। कपास की पहली चुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। किसान भाई कपास को पानी दे रहे हैं और साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
कैनोला का सीजन आने वाला है और किसान बीज की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। खैरपुर में खजियों की कटाई का सिलसिला खत्म होने के साथ अब लोग अपनी जमीनों की सफाइयों में मसरूफ हैं। मंडी में छुआरों का रेट 20,000 चल रहा है, लेकिन अच्छे छुआरों का रेट 30,000 के करीब है। खैरपुर सब्जी मंडी में सब्जियां, बैंगन, भिंडी, तोरी और करेले बिक रहे हैं। किसानों ने लहसुन भी अपनी जमीनों में लगाए हुए हैं। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।